मुंबई के इस्लाम जिम खाना में फिलिस्तीन के समर्थन में सभा, महिलाएं भी शामिल। मुंबई में फिलिस्तीन के लोगों के लिए पढ़ी गई दुआ, मुफ्ती ने कहा कि हिंदुस्तान में भी फिलिस्तीन की हिमायती मुसलमान। श्रीनगर में फिलिस्तीन के समर्थन में मार्च, निर्दोष लोगों को मारने का इसराइल पर लगाया गया आरोप। फिलिस्तीन के लोगों के समर्थन में जयपुर में प्रदर्शन, लोगों ने किया इसराइल का विरोध, जमकर किनारेबाजी। फिलिस्तीन के मुद्दे पर एसपी सांसद एसटी हसन ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा उम्मीद है वो फिलिस्तीन को मानवीय मदद देगी। ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान, इसराइल और फिलिस्तीन भारत के पुराने मित्र, ये धर्मस्थल के नाम पर वर्चस्व का युद्ध। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज जारी होगी अधिसूचना, 30 अक्टूबर तक प्रत्याशी कर सकेंगे नामांकन, 17 को होगा मतदान। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए जारी होगी अधिसूचना, दो चरणों में छत्तीसगढ़ के चुनाव होंगे। छत्तीसगढ़ के चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, कहा वादा खिलाफी करने वाली आदिवासी विरोधी भूपेश बघेल की सरकार। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान, बीजेपी लगातार झूठ बोल रही है, डबल इंजन की सरकार में नक्सली बढ़ते गए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या, रमन सिंह ने बताया राजनीतिक साजिश, नक्सलियों पर हत्या करने का शक। दिल्ली में हुई बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, राजस्थान एमपी तेलंगाना के उम्मीदवारों ने नामों पर किया फाइनल मंथन। एमपी में कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवारों की लिस्ट के बाद पार्टी में तनाव, अंतिम अमित राय को टिकट मिलने पर कांग्रेस नेता नाराज। मध्य प्रदेश कांग्रेस में सीट बंटवारे को लेकर मची कलह, भोपाल की बैरसिया सीट के नाराज दावेदारों का प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में कांग्रेस से टिकट कटने के बाद नेताओं के बगावती तेवर, पीसीसी कार्यालय के सामने दामोदर यादव के समर्थकों का हंगामा। मध्य प्रदेश के देवास में नाराज हुए कांग्रेस के नेता, पूर्व मंत्री दीपक जोशी को टिकट मिलने से खातेगांव विधानसभा में दिखा विरोध। मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारे पर भड़के अखिलेश पर सुप्रिया श्रीनेत का बयान, टिकट बंटवारे को लेकर आपसी खींचतान स्वाभाविक। एमपी चुनाव पर शिवपाल यादव का बयान, कांग्रेस को सीट बंटवारे पर पूरा करना चाहिए अपना वादा, गठबंधन को करना होगा मजबूत। अखिलेश और कांग्रेस के तनाव के बीच बोले विजयवर्गीय, कांग्रेस दोहरे चरित्र की पार्टी, सहयोगियों का नहीं करती है सम्मान। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान, अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के अहम सदस्य, सीट बंटवारे पर नहीं बनी सहमति तो टूटेगा गठबंधन। तेलंगाना में राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा कि कांग्रेस में आना चाहते हैं बीजेपी के नेता, चुनाव में बीजेपी बीआरएस की मदद कर रही है। राहुल के पारिवारिक रिश्ते वाले बयान पर बोली बीआरएस नेता के कविता, कहा नेहरू ने तेलंगाना को जबरन आंध्र प्रदेश से मिलाया था। राजस्थान के दौसा में प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा मोदी सरकार में उद्योगपतियों को फायदा। मोइत्रा मामले पर संसदीय समिति के अध्यक्ष विनोद सोनकर ने कहा 26 अक्टूबर को एथिक्स कमेटी की बैठक, निशिकांत दुबे को किया तलब। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का निशाना, सरकार इसलिए परेशान क्योंकि एक खास उद्योगपति के खिलाफ पूछे सवाल। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के आरोपों पर बोले अरविंद सावंत, महुआ शेरनी है, उनके तीखे सवाल सत्ताधारी पार्टी को बुरे लगे। वर्ल्ड कप में आज है मुकाबला नीदरलैंड और श्रीलंका के बीच, सुबह 10:30 बजे लखनऊ के अटल बिहारी स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। वर्ल्ड कप में इंग्लैंड से भिड़ेगा साउथ अफ्रीका, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दोपहर को 2 बजे से मैच। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 62 रनों से हराया, एडम जंपर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।